अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में बड़ी डिटेल से गाइड करूंगा। यहाँ पे हमने कौन सी कंपनी के सोलर पैनल लगाए हुए हैं, कितने लगाए हुए हैं, कितने वाट के हैं और सोलर इन्वर्टर कौन सी कंपनी का है, यहाँ पे बैटरी कौन सी लगी हुई है, आपको इस वीडियो में कम्प्लीट डिटेल मिलेगी। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे 8 सोलर पैनल लगाए हुए हैं, 3 ऊपर वाली लाइन में, ठीक है, एक ये है और 3 नीचे वाली लाइन में है और एक ये है, ठीक है, दरमियान में मैं खड़ा हूँ। ये 8 सोलर पैनल है, कैनेडियन कंपनी के 545 वाट के ये सोलर पैनल है। आप देख सकते हैं इसकी डाटा शीट के ऊपर लिखा हुआ है, ये 545 वाट का सोलर पैनल है। इसकी डाटा शीट के ऊपर सारा मेंशन किया हुआ होता है, ये कितने वोल्ट निकालती है, आउटपुट कितने एम्पियर करंट निकालती है और यहाँ पे बार कोड दिया हुआ होता है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका सोलर पैनल ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, हमने L3 स्टैंड यूज किए हुए हैं, ठीक है, 14 गेज के। ये देखिए, हमने दोनों साइड पे वाश लगा के अच्छे तरीके से अटैच किया हुआ, ठीक है, मजबूत कोशिश किया, मजबूत से मजबूत स्ट्रक्चर हो, ठीक है। ये देखिए, नीचे भी हमने कंक्रीट किया हुआ ताकि हवा वगैरह का कोई मसला ना मिले, अंधेरी वगैरह आए तो प्लेट उड़ ना जाए, टूटने का खतरा ना हो, ठीक है। जिस जगह पे भी हमने नट लगाए हुए प्लेट के साथ फिक्स किया हुआ, वहां पे हमने वाशर जरूर लगाई हुई है, एक नीचे और एक ऊपर। ये दोस्तों स्विंगिंग पूल है जहाँ पे हमने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं छत पे खड़ा हूँ, मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे आ चुका हूँ, आप देख रहे हैं मदीना स्विंग पूल, ठीक है, ये फैसलाबाद में मौजूद है, वेलकम मदीना स्विंग पूल, ठीक हो गया। ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ये साफ सुथरा है, मैं आपको अंदर जाके भी चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें, एहतियाती तदाबीर लिखी हुई है, ठीक है, डेंगू से बचाव की तदाबीर ऐसे ही साइड पे लिखा हुआ है, टिकट घर, ठीक है, यानी कि जहाँ से आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं, साइड पे यहाँ भी डेंगू की तदाबीर लिखी हुई है। ये वोल्टेज डिवाइस है, जब भी आपका पीछे से लोड मेन कम या ज्यादा होगा ये खुद ब खुद बंद कर देगा आगे लोड, आपका आगे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। साथ ये मेन स्विच ब्रेकर लगा हुआ है, इससे आप घर का लोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये 2 मीटर लगे हुए खंभे के ऊपर 3 वेस और इस बॉक्स के अंदर 2 ब्रेकर है, ठीक है, एक वोल्टेज डिवाइस और एक ब्रेकर ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ताला लगा दिया। दोस्तों, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, टेस्ला कंपनी का, डबल आउटपुट वाला, यानी कि हैवी लोड और लाइट लोड, यानी कि UPS वाला, ठीक है। इस टाइम सिर्फ 315 वाट लोड चल रहा है क्योंकि आगे इतना ज़्यादा लोड नहीं चल रहा, ठीक है। ये टच है इसकी स्क्रीन के ऊपर, इसके सारे पैरामीटर आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, ये DP बॉक्स है, इसके अंदर ब्रेकर लगे हुए हैं, 2 DC ब्रेकर है, एक बैटरी का करंट कंट्रोल करने के लिए और एक सोलर का करंट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये बैटरी का ब्रेकर है, इसने बैटरी का करंट कंट्रोल किया हुआ है और अब ये सोलर का ब्रेकर, ठीक है। ये सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के दरमियान में लगता है। ये वाला चेंजर हैवी, यानी कि पंप वगैरह आप इस पर चला सकते हैं, ठीक है। ये वाला UPS वाला चेंजर है, ठीक है, और ये वापदा का ब्रेकर है। ये दोस्तों चेंज ओवर है अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, ठीक है। एक साइड पे लिखा हुआ S और एक साइड पे W, S सोलर और W वापडा। आप S वाला नीचे करके, सोलर नीचे करके, वापडा वाला ऊपर करके आपकी डायरेक्ट वापडा चल जाएगी और आपका मसला हल हो जाएगा, आप वक्ति अपना लोड चला सकते हैं, ठीक है। ये प्यारे दोस्तों TA 1800 बैटरी है, असाका, ठीक है, ट्यूबलर बैटरी है ये TA 1800 असाका। दोस्तों, ये इन्वर्टर है समर्सिबल पंप चलाने के लिए, इस पे हम 2 इंच का समर्सिबल पंप चलाएंगे। ये इनपुट लेगा सिंगल फेस और आउटपुट देगा 3 फेस, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया हुआ, ये स्विंग पूल के ऊपर लगा हुआ, ठीक है, वो पानी भरने के लिए। ये 4 से 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। अब मैंने इसको ऑन कर दिया, मैं आगे जाके पानी भी चेक कराता हूँ ये कितना पानी निकाल रहा है। ये दोस्तों बड़ा इन्वर्टर है 11 से 15 किलोवाट का, ठीक है। इस पे 4 इंच का समर्सिबल पंप चलता है, ठीक है। ये 4 इंच आउटपुट ये पानी निकालेगा, ये भी सिंगल फेस इनपुट लेगा और आउटपुट 3 फेस देगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम समर्सिबल पंप चलाते हैं, छोटा ऑन ऑफ और बड़ा ऑन ऑफ, ठीक है। ये DP बॉक्स है, इसके अंदर सारे सेफ्टी ब्रेकर्स लगे हुए हैं। ये दोस्तों यहाँ पे चेंज ओवर लगाया हुआ है, जी जनरेटर, ओ दोनों साइड बंद हो जाएगी ऑफ, एस सोलर, ठीक है। अगर हमारा
इन्वर्टर काम ना कर रहा हो, सोलर सिस्टम ना काम कर रहा हो मौसम की वजह से, या इन्वर्टर ख़राब हो ठीक है और वाबला भी पीछे से ना आ रही हो, तो हम जी पे करके जनरेटर चला के अपना सारा जो ये पूल का निज़ाम है जनरेटर पे कन्वर्ट करके चला सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों छोटा इन्वर्टर है, 4 से 5.5 किलोवाट का, और ये 11 से 15 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है, और ये टेस्ला कंपनी का इन्वर्टर है। ठीक है, ये इसकी डाटा शीट है, सारा कुछ इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये दोस्तों 4 बैटरी है, तो ये 1800 का। ठीक है, ये देखिए इसके कनेक्शन जमा माइनस, ठीक है माइनस जमा, ठीक है और ये जमा और माइनस। ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन है इसके, ये ब्लू वाली जमा है और ये जो ग्रे टैप है ब्लैक टैप है ये माइनस है। 4 बैटरी है, टीए 1800 का। ये दोस्तों जो 2 इंच वाला हमारा मोटर है पंप है वो चल रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसका प्रेशर, ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, ये जो समर्सिबल पंप है नीचे से ग्राउंड होके ऊपर पाइप के थ्रू ऊपर से पानी आ रहा है। पहले बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर पानी नहीं था, मौसम की वजह से ये 3-4 दिन हो गया बंद है। यहाँ पे जितना भी लोड है ये 6 किलोवाट के सिस्टम पे चलता है। दोस्तों अब मैं आपको 4 इंच डिलीवरी वाला समर्सिबल पंप चला के चेक करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो सामने पाइप आपको नज़र आ रहा है यहाँ से पानी आएगा। ठीक है, ये प्यारे दोस्तों टोटल इस सिस्टम पे 10.5 लाख रुपया खर्चा है। ठीक है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर, 8 सोलर पैनल, ट्यूबलर, 4 बैटरी, ब्रेकर वगैरह, मजदूर, वायरिंग, यानी कि टोटल 10.5 लाख रुपया खर्चा आया। ठीक है, ये देखे दोस्तों पानी आ चुका है, ये समर्सिबल पंप भी चल चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को साथ साथ क्लिक कर दिया करें, ताकि जो भी हम न्यू वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हम रोज़ इलेक्ट्रिक और सोलर के मुतलक वीडियो बनाते रहते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों।